हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जल्दी पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो। समझ रहे हैं कि पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो यार। टेस्टिंग के बाद इस राज्य में शुरू होगी सर्विसेज। तो मैं बता रहा हूँ अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बताने वाला हूँ कि जल्दी पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। तो टेस्टिंग के बाद किस राज्य में शुरू होगी सर्विसिंग, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो के पीछे भी आपका बैकग्राउंड पे चलेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे आपने सुना होगा कि लंदन पेरिस, ठीक है, लंदन पेरिस के तर्ज पर, ठीक है, जल्दी भारत को भी अंडर वाटर मेट्रो जल्दी मिलने वाला है दोस्तों। समझे कि दिसंबर 2023 में आपको शुरुआत हो जाएगी, इसका टेस्टिंग जो है ना जल्द ही हो जाएगी, जिसके बाद आप लोगों को पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन में घूमने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं, एकदम वाटर अंडर वाटर के अंदर, तो समझ रहे हैं, वाटर अंडर वाटर जो मेट्रो है ना जल्दी पानी के अंदर दौड़ेगी दोस्तों। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप लंदन पेरिस जैसे तर्ज पे ही जल्दी भारत को भी अंडर वाटर मेट्रो जल्दी मिलने वाला है दोस्तों, जो कि देश की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। और इसके टेस्टिंग में जल्द ही टेस्टिंग चल रही है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो जिसके बाद शुरू कर दिया जाएगा और देश की पहली वाटर ट्रेन जो कहा जाता है ना मेट्रो, कोलकाता में शुरू की जा रही है, समझ रहे, कोलकाता में। और इसे लोगों को पानी के अंदर मालदीव जैसे एहसास करने का मौका भी मिलेगा, समझ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और पहली वाटर मेट्रो जो है ना कोलकाता से हुगली नदी में बने टनल से होकर गुजरेगी। इसमें 6 कोच भी होंगे दोस्तों, समझे। इसके अलावा इस ट्रेन में कई खासियत हैं जो कि आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि टेस्टिंग के बाद शुरू होगी सर्विसिंग। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो का प्रोजेक्ट तहत 6 कोच वाली मेट्रो टेस्टिंग की जाने वाली है, समझ रहे हैं। इस ट्रेनों को ट्रायल कहा जाता है ना एस्प्लेंड, ठीक है, एस्प्लेंड के और हावड़ा ग्राउंड के बीच में 4.8 किलोमीटर दूरी पर कराया जाएगा, समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ, ये कोलकाता में चली है थी देश की पहली मेट्रो, समझ रहे। बता दें कि देश में जो पहली मेट्रो की सर्विस जो हुई थी 1984 में कोलकाता में हुई हुई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी मेट्रो का साल 2002 में आपको दिल्ली में चलाई गई थी, ठीक है, जिसके बाद अब कई शहरों में मेट्रो की सर्विसिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो वही अब पहले जो अंडर वाटर जो मेट्रो का जो कोलकाता में शुरू करने की तैयारी की जा रही है, समझ रहे। तो दिसंबर तक कहा जाता है ना कि दिसंबर तक, एंड ऑफ दिसंबर तक पूरा हो जाएगा काम। तो KMRC यानी कि कोलकाता का मेट्रो रेल जो है ना कॉरपोरेशन के मुताबिक कहा गया है कि पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है ना दोस्तों, इसकी सर्विसिंग साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी, समझ रहे। और इसके काम को अभी प्रगति पर है और इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और लंदन और पेरिस के तर्ज पर ही चलेगी ट्रेन मेट्रो, ठीक है। तो भारत में पहली बार अंडरवर्ल्ड जो मेट्रो ट्रेन है लंदन पेरिस के तर्ज पर चलाई जा रही है। इस अंडर वाटर मेट्रो को कंपेरिजन जो है ना कंपेरिजन लंदन और यूरेस्टर से किया गया है, ठीक है, यूरेस्टर से किया गया है, जो कि लंदन पेरिस के अंडर वाटर रेल लिंक से जोड़ती है। इस ट्रेन को शुरू होने से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी दोस्तों, समझ रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि 120 करोड़ से आएगा खर्च, 120 करोड़ का खर्च आएगा इस मेट्रो, ठीक है, इस मेट्रो को सुरंग को बनाने के लिए करीब 120 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा खास बात है कि कोलकाता में हावड़ा स्टेशन में सबसे ज़्यादा 33 मीटर तक गहरा होगा। फिलहाल होश खास का 29 मीटर तक सबसे ज्यादा गहरा स्टेशन माना जाता है, समझ रहे। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा आप लोग के लिए एक वीडियो बना देता हूँ कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी था। तो मैं भी आपको इसमें बताता हूँ कि भारत में कहा जाता है ना कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो अब पानी के अंदर दौड़ेगी, समझे। मेट्रो भारत में पहले अंडर वाटर ट्रेन को होने जा रही है जो टेस्टिंग। तो जानिए खासियत भी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ना भारत में पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट काम तेजी से चल रहा है, जिसके दिसंबर तक पूरा किया जाएगा, एंड ऑफ दिसंबर तक। इसकी प्रगति प्रति करीब कहा जाता है किलोमीटर 120 करोड़ का खर्च भी आएगा, जो कि मैंने इस वीडियो बताया हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब पानी के नीचे भी मेट्रो चलेगी। भारत में कहा जाता है कि पहले अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन को शुरुआती में क्या होने जा रहा है 9 अप्रैल यानी कि इसकी टेस्टिंग जो होगी, या मेट्रो हुगली नदी
से बने टनल से होकर गुजरेगी जो कि मेट्रो का 6 कोच से जुड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो की कई खासियत है जो कि इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ, वीडियो पीछे चलेगी। और कलकत्ता ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो का प्रोजेक्ट के तहत 6 कोच वाली जो ट्रेनों का परीक्षण के लिए तैयार किया गया है, समझ रहे, सॉल्ट लेक का हावड़ा मैदान को सेक्टर को की जोड़ने वाला जो कहा जाता है ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो कॉरिडोर होता है, जो सेक्टर होता है उसको कहा जाता है कि वो स्टेशन के सियालदा के बीच से कम दूरी जो के लिए चालू किया जाएगा। और 2 6 कोच वाली जो इस मेट्रो ट्रेन का जो एलेक्स लैंड होता है और हावड़ा मैदान के बीच में 4.8 किलोमीटर की दूरी पर ट्रायल रन करेगी, समझ रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कोलकाता में शुरू हुई है देश की पहली मेट्रो, देश में पहली मेट्रो रेलवे कोलकाता में 1984 में शुरू की गई थी, 1984 में स्टार्टिंग की गई थी। इसके बाद दिल्ली में 2002 में शुरू की गई थी और अब कई शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता के उपलब्धियों के इस एक अंडरवर्ल्ड मेट्रो से जुड़ने जा रही है दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज है। तो मेट्रो चलाने के लिए बैटरी का उपयोग भी किया जाता है। तो TOI की रिपोर्ट में कहा गया है ना कि कल सॉल्ट लेकर हावड़ा के बीच में होने वाला है ट्रायल, जिसमें रन सियालदा और एक्स लैंडर के सुरंग को सफलतापूर्वक गुजरेगी। कई सियालदा और एल्स प्ले लैंडर के बीच में ट्रैक के बिछने का काम भी अधूरा था, जो कि हालांकि अस्थाई ट्रैक को बिछाकर ट्रायल के लिए तैयार किया गया है। तो सियालदा स्टेशन तक ट्रेनों को सामान्य रूप से चलेगी दोस्तों, लेकिन सियालदा से एल्स लैंडर तक इन्हें बैटरी के चलित लोको द्वारा सुरंग के रूप में धकेला जाएगा और फिर एलएस लैंडर के हावड़ा के समान के रूप में काम करेगा। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा काम, इसी साल के एंड ऑफ दिसंबर में पूरा काम हो जाएगा। और KMRSC के ने कहा है कि भारत की पहली अंडरवर्ल्ड मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो में कॉरिडोर में परियोजनाओं को दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है दोस्तों। अभी कहा जाता है कि कार्य जो प्रगति की ओर से अंडरवर्ल्ड जो मेट्रो का परियोजना है ना, परियोजना के कई काम को पूरे होने होने के लिए में देरी है। लंदन और पेरिस, समझ रहे, लंदन और पेरिस जैसे होंगे मेट्रो इंडिया में, तो भारत में अपनी तरह से पहली अंडरवर्ल्ड मेट्रो ट्रेन को तुलना कर यूरोस्टार को की गई है, ठीक है। और जो कि लंदन और पेरिस को जोड़ती हुई यह हुगली नदी के तल में 13 मीटर के नीचे होकर मेट्रो ट्रेन गुजरेगी और इस से शुरू होने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। कितना पड़ेगा खर्च ये भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि हावड़ा स्टेशन में सबसे ज़्यादा 33 मीटर तक गहरा होगा, समझे, 33 मीटर तक गहरा होगा। अभी होज खास में 29 मीटर तक सबसे ज़्यादा गहरा स्टेशन है। सुरंग को बनाने में प्रति किलोमीटर 120 करोड़ तक का खर्च बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सोचा कि चलो एक छोटी सी एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैंने बताया कि इंडिया का फर्स्ट अंडरवर्ल्ड अंडर वाटर जो मेट्रो होता है ना, अब पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो, भारत में पहला अंडरवर्ल्ड जो ट्रेन का होने जा रही टेस्टिंग, जानिए खासियत जो कि इस वीडियो में पूरा विस्तार से मैंने बताया है, ठीक है। अंडर वाटर जो मेट्रो है, आपको ये भी बताता हूँ कि जल्द ही कहने में बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जल्द ही पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो और टेस्टिंग के बाद इस राज्य में शुरू होगी सर्विस, जो कि इस वीडियो में मैं बताया हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में इस तरह से। जय हिंद, वंदे मातरम।